बिल्कुल नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम पार्टी से आई हो, आप दिखाओ, आप दिखाओ। देखने वाले आप होते कौन है? मैं हिंदू हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, हिंदू हूँ, दिखाओ ना, अब आई कार्ड दिखाओ ना। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये भैया से यहाँ शुरुआत कर सकते हैं, खा रहे हैं, इतना सिलेंडर महंगा हो गया है। भैया बताएंगे जरा, यहाँ पर हिंदू फ्रंट का जो प्रदर्शन हो रहा है, खाना भी बट रहा है? खाना आप महंगाई कह रहे हो ना, इस चक्कर में बटवाया है तो इस चक्कर में ही बटवाया है। हाँ जी, महंगाई तो हो रही है ना। महंगाई कहाँ हो रही है, हमें बताओ सही, क्या महंगा हो रही है? महंगी महंगाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है महंगाई, सही में नहीं है। 40,000 मुझे तो लगता ही नहीं रहेगी जब तक चलता रहेगा सिलेंडर। सिलेंडर बिल्डर कुछ महंगा नहीं, कुछ भी महंगा नहीं है। 1100 का सिलेंडर, अरे कहाँ हो गया 1100 का? कहीं नहीं हुआ है 1100 का, नहीं है। देखो आपके पास सही आंकड़ा नहीं है, 1100 का नहीं है, 1100 से कम का है। 1100 से कम का है? 51 रुपए हो गया ना, मैं तो फिर भी 2 रुपए कम बोल रही हूं। नहीं, 2 रुपए कम नहीं बोलने चाहिए ना आपको, सटीक महंगा नहीं आपके। नहीं नहीं, क्या करते हैं आप, कैसा बरस रहा है आपके? मेरे तो पूरा बरस रहा है, दोनों हाथों से माता रानी, दोनों हाथों से बरस रही है आपके? हाँ, पूरी बरस रही है। अच्छा, तो तभी सवाल पूछे जो मुझे ये मजा आए और आपको सुनने में भी मजा आए। महंगाई है अभी सवाल, महंगाई से खा तो रहे, महंगाई कहाँ हो रही है? महंगाई तभी बाहर खा रहे हैं, चाचा चाय पी रहे, तभी बाहर खा रहे हैं, पानी पी रहे, बिस्लेरी। हाँ, महंगाई हो रही है। सर क्या नाम है आपका? अमन। महंगाई बता रहे, महंगाई नहीं, महंगाई है नहीं, नहीं महंगाई नहीं है भाई साहब, बिल्कुल सही है भाई। मैं आंखों पे पट्टी बांध ली आपने, काला चश्मा जैसे लगा लिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है महंगाई, बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग कौन है जो महंगाई से डर रहे हैं और महंगाई महंगाई उनको बहाना चाहिए कोई ना कोई, कोई महंगाई। लोग अच्छी पोस्टों पे होंगे तो तभी आप लोगों को महंगाई नहीं लगी, मगर गरीब जनता कहाँ जाए जिनके पास खाने को लाले पड़े हुए हैं, सिलेंडर नहीं है, तो दिया 2 साल अनाज बट रहा है। कितना अनाज बट रहा है? कितना, 5-5 किलो मिल तो रहा है एक आदमी को। क्या मिल रहा है आपको मालूम है? बेचने पे आप मोहल्ले में जाओ, मोहल्ले में गई हुई हूँ, सर्वे किया, सर्वे गलत करा आप, सर्वे मेरा गलत हो गया। बात तो सुनो, कभी हमारे मोहल्ले में आना है, एक ठेली वाला आवाज जाएगा और आवाज मारते हैं। मेरी बात तो सुनो पहले, कि गेहूं और चावल भी एक दो लोगों के पास इतना गेहूं चावल है कि उसकी ठेली भर जाती है, उसे ठेली नहीं खींच पाती है, कह रहे हो महंगाई है। खाने के लिए नहीं है, मर रहे हैं भूखे, काम मर रहे, देखे खाते मर रहे हैं कहीं नहीं। अगर आपको खाने को मिल रहा है तो गरीबों को नहीं मिल रहा, तो खाने को मिल रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई नहीं मर रहा भूखा। जब हम दिल्ली, आपके पास लग रहा है बहुत पैसा बरस रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है मैडम? हम जब दिल्ली, सुनो यहाँ पे प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं एजेंडे, 8-10 कर रहा है, 8-10 बादशाह फायदा कर रहा है, करने के बाद जमीन जगह जो घर मकान बिल्डिंग बन रहा है, जमीन घट रहा है, खेती कम होने लगा है, बादशाह पैदा कर रहा है, कौन बादशाह पैदा जो ज्यादा, जो लोग गरीब लोग हो, ज्यादातर मुसलमान लोग, एक लोग 10 बच्चा पैदा कर रहा है, हिंदू ने 1 बच्चा पैदा कर रहा है। आप एकदम मुसलमान पे आ जाते हैं, मुसलमान ही तो सब कुछ कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप हिंदू नहीं कर रहे हैं? हिंदू ने जो जिस लेडीज को बच्चा पैदा नहीं आ रहा, खुद 6 भाई है। हाँ, वो पहले जमाने था, इस जमाने में नहीं है। क्या पहला जमाने का मुसलमान नहीं है? अभी भी मोदी जी ने नाकेबंदी करा है, उसने नाचबंदी करा रहा है, फिर भी ना लोग ना। हमारा नाम उत्तम कुमार है, कहाँ से आए? हम अलीगढ़ से आए। हाँ, महंगाई है नहीं, मुस्लिम पैदा कर रहा है। अगर घर मकान बनेगा तो बिल्डिंग बनेगा तो फसल करने की जमीन नहीं मिलेगा, तो और ईट की भट्टा में गड्ढा हो रहा है, फसल नहीं होने पा रहा है, तो फसल कहाँ से होगा? फसल ना होगा तो महंगाई तो बढ़ेगा है। तो फसल के लिए जिम्मेवार कौन है? किसानों को MSP नहीं मिल पा रहा, जिम्मेवार किसान है? सबको सब कुछ मिल रहा है, सबको का जवाब नहीं देके जा रहे हैं। देखिए आप बीच में ही भाग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, इसके बात कर लीजिएगा, इसके बात कर लीजिए। हाँ अंकल जी, चाय पी रहे, महंगाई नहीं है। इसके बाद प्रदर्शन, हम जब दिल्ली आए थे 75 रुपए मिलते थे, पुलिस वालों को 70,000 रुपए मिलते हैं, कहाँ महंगाई? नहीं, चलो महाराज प्रदर्शन, रोजगार घूम रहे हैं युवा। तो अभी ये आप देख सकते हैं, मैं इनसे सवाल कर रही थी लेकिन बीच में ही ये लोगों को जाना पड़ा, भाग रहे हैं। मैंने महंगाई पूछी तो महंगाई है ही नहीं, पैसा बरस रहा है, खूब माया बरस रही है इनके ऊपर। तो महंगाई, जो महंगाई के लिए रो रहे हैं, वो लोग इनसे सीख लें कि किस तरीके से महंगाई बिल्कुल नहीं है, सिलेंडर महंगा नहीं है, खाने को अनाज है,
और 5-5 किलो अनाज जो मिल रहा है वो आप समझ सकते हैं, ये लोगों के मुताबिक जो बता रहे हैं ये कि भाई 5 किलो अनाज जो है उनको दिया जा रहा है, लेकिन भूखों जो मर रहे हैं वो पता नहीं कौन से लोग हैं, पता नहीं किस देश के लोग हैं, जो लगातार जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनके मुताबिक सिलेंडर भी महंगा नहीं है। लेकिन देखिए अभी सवाल मैं कर रही थी तो लोग जो है बीच में से ही यहीं पर छोड़कर भाग गए हैं वहाँ पर उस तरफ, तो सवाल भी इन्होंने लिए नहीं। अभी इससे ज्यादा और मैं सवाल करती तो शायद ये लोग जवाब नहीं दे पाते, लेकिन बीच में जब मैं जवाब मांग रही थी तो जवाब देना इनके लिए मुश्किल पड़ रहा था। ये इंग्लैंड, कनाडा व अमेरिका में सनातनी हिंदुओं के विरुद्ध वैश्विक साजिश के विरुद्ध साधु संतों के सानिध्य में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे विशाल बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग जो है 50-60 लोग मौजूद हैं, विशाल धरना बताया जा रहा है, लेकिन लोगों से जब पूछ रहे हैं तो वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप कहाँ से आए, क्या उम्र है आपकी? जी मैं 15 वर्ष का हूँ और मैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं यहाँ ग्रीन पार्क एरिया में रहता हूँ। तो यहाँ पर अभी आने का कारण बताएं। हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पीकर भी चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है, तो अभी ये जो बोल रहे हैं हिंदुओं के साथ न्याय अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं? जी बात ऐसी है, आपने देखा होगा यूनाइटेड किंगडम में जो हाल चल रहा है, ये लोग अल्लाह अकबर कर करके हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि हिंदू भी कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ हिंदू कर रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे पास वीडियो आई है, मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर कर करके ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं, बोल मतलब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, मंदिर की दीवारों पे ठेस पहुंच रही है भावना, बताता हूं, मंदिरों की दीवार पे चढ़ चढ़ के वो लोग क्या कर, भगवा झंडा हमारा लगा हुआ है मंदिरों की दीवार पे वो चढ़ रहे हैं जी। और अभी मैं इतने सारे विजुअल और इतने वीडियो आपको दिखा दूंगी क्योंकि मैं खबरों में रहती हूँ कि आप जैसे लोग जो है हिंदू जय श्री राम के नारे लगा के उनकी मस्जिदों पर उनके जो मदरसे हैं उनमें घुसकर आप लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं, मैं बताता हूँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अगर आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं तो दूसरा पहलू देखना, आप दूसरा नहीं देख रहे हैं, बात यह है अगर आप मुस्लिम वाला देख रहे हैं तो आप हिंदू भी देखिए। मध्य प्रदेश में जो लिंचिंग कर दी जय श्री राम बोलने के ऊपर, अभी 4 दिन पहले पुराना मामला है, वो क्या हुआ? मैम जय श्री राम नहीं बोलेगा अगर मुस्लिम, अगर आपको मुस्लिम से ही जय श्री राम बुलवाना है। मैं इस चीज के सख्त विरोध हूँ, मैंने कभी किसी, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं मेरा क्या है, मैं किसी मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, परंतु मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हूँ। पढ़ाई करते हो? जी जी मैं नवीं क्लास का छात्र हूँ। नवीं क्लास के छात्र हैं, यहाँ दिल्ली में अभी क्यों आए हैं? जी मैं जय श्री राम सेना संगठन का एक सदस्य हूँ और अभी से संगठन के सदस्य। जी बिल्कुल, बात ऐसी है मुझे अपने धर्म खतरे में है क्या कह सकते हैं, लाइक हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू खतरे में है, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, लोग चिल्लाते हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बनेगा, पूरा ट्वीट भरा रहता है जय श्री राम। नहीं नहीं नहीं, बनेगा मैम, बनेगा, ये हमें विश्वास है, ठीक है। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हूँ, मेरे धर्म के अगेंस्ट कुछ कोई बोलेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ। बोल रहा है कौन हिंदुओं को? तो कौन डरा रहा है, वो तो आप जानते होंगे, आप तो खुद डराता फिर रहा है। अरे मैम अगर हिंदू लिंचिंग कर दे रहा है, नहीं मुसलमानों की नहीं दलितों की भी, लेकिन आप दलितों के लिए तो खड़े नहीं होते। जातिवादी नहीं, जातिवादी आज तक मैंने नहीं किया, मैं नहीं बताता, मैं नहीं किया, तो और जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं जो हूँ मैं ये नहीं बताता मैं कौन हूँ, मैं ये बताता हूँ मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। आप मेरा इंस्टा नहीं है हिंदू से पहले, मैं हिंदू हूँ इंसान, अरे अवश्य है हम, पर अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं होना, धर्म क्या है, अपना कर्तव्य है। आप हिंदू है, दलितों को भी हिंदू बताया जाता है, तो फिर दलितों के साथ दलित बोल के शूद्र बोल के अछूत क्यों बोला जाता, उनको मंदिर की चाबी क्यों नहीं दी? जो ये करते हैं मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। मंदिर की चाबी क्यों नहीं दी जाती? 4 जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, मैं जो इन लोगों में बंटवारा करता हूं। अच्छा लग रहा है आपका, अरे धन्यवाद। मैं जो लोग इन लोग के वो करते हैं भेदभाव, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं इन चारों को इकट्ठा लेके चलता हूँ। एक बात बताइए, शूद्र दलित को मंदिर की चाबी दे दी जाएगी, मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पंडित बना के बिठाया जाएगा शूद्र, आप दिलाएंगे, और जो अछूत बोल के उनके साथ लिंच कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। मेरा घर है,
मेरे घर में नीचे हमारे साथ दो किराए, जतिन राय नाम है मेरा, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ, मेरे घर में नीचे दो किराएदार रहते हैं, वो दोनों लोग मतलब आप जो बता रहे कि शूद्र दलित और ये सब, हम उनके घर गए थे, ऐसा कि पहले के बारे में होता था कि पहले मतलब 50-60 साल पहले की छुआछूत वाली चीजें होती थी, वो उनकी जो बेटी है वो मेरी दीदी है, मेरे को राखी बांधा उन्होंने इसी बार, हर साल 10 साल से वो लोग हमारे रह रहे हैं, हम उनको राखी बांधे, उनकी बड़ी बेटी की शादी थी, हम उनके साथ गए उनकी शादी में, ऐसा कुछ नहीं था कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन और लोग कैसे समझेंगे, और लोगों को समझाना ही है। अब देखो के घर का खाना नहीं खाना, मैम देखिए बात ऐसी है, हम हिंदू है ना मैम, आपके सामने हम खा रहे हैं, ये खा रहा है और वो भैया बोलेंगे वो खा रहे हैं, आप ये देखिए इतने बड़े लीडर है वो खा रहे हैं, अब आप और हम किन की बात कर रहे हैं कि जो नहीं खा रहे, लीडर जो खा रहे हैं ना उसकी सच्चाई भी सामने आई थी, वो बर्तन डिस्पोजल मंगाए गए थे, ठीक है, बाद में खाना तो उन्हीं के घर में था ना, खाना भी बाहर से मंगाया गया था, आपको कैसे पता, योगी आदित्यनाथ से आप स्पेशली बात करके आई है क्या, खुलासा हुआ है ये, खुलासा कहाँ से हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया की और दैनिक भास्कर के खुलासा हुआ है, ऐसे जगह जगह पे बातें बन जाती हैं, मैं बोलता हूँ मुस्लिम ने ये करते हैं, मैं झूठा कुछ भी बोल दूँ, दलितों बाद में जब एनडीटीवी ने, जब एनडीटीवी ने जाके जब वहाँ पर उनकी रिपोर्ट सुनिए, एनडीटीवी ने जाके जब रिपोर्ट की उनके घर गए तो पता चला, जब वहाँ पे आ रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, सुनिए, तो वहाँ पंखा लगवा दिया गया, दरवाजा सजवा दिया गया, सब कुछ सजवा दिया गया, बर्तन लाए गए, ये क्या था, अरे घर में तो गए थे, आपके घर में कोई भी बड़ा आ रहा है, कोई भी कोई ऐसे माननीय आदमी आ रहा है तो आप उनकी, उनके घर की हालत इतनी दयनीय थी, लेकिन वहाँ पर जब मंत्री जी आ रहे थे तो इतना सजावट कर दी गई, उसके बाद उखाड़ लिया गया सब कुछ, उखाड़ दिया गया इसीलिए ना, मतलब उनके रिस्पेक्ट के लिए एक तरह से किया गया था, और ये नहीं कि उन दलित के घर से फिर बाद में हटा लिया गया सब, वो बेचारे रो रहे थे, कह रहे कि आए थे हमें ऐसे बताया, ये रोने होने वाला बात करके आई है क्या, भाई साहब खुलासा नहीं देखते क्या, खुलासा ये तो कुछ भी जहर बोल रहे हो आप, स्पेशली बात करके आए तो मैं मानूं, जहर दलित वलित करके तो आप एक नफरती जहर बोल रहे हो, मैं नफरती जहर, हाँ आप लोग जो जय श्री राम करके लिंच कर देते हैं उसको क्या, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान के श्री राम क्या ये कहते हैं कि आप किसी को नारा जबरदस्ती लगवा के जो है उसको लिंच कर दो, जबरदस्ती किसे बुलवाया हमने, नाम लेके फूट जाइए, लाई लाई लिल्ला ये जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अपना नाम लीजिए हमारे अल्लाह का और फूट जाइए, आप चेक करेंगे वर्ल्ड जो आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें टॉप 10 टेररिस्ट का नाम चेक करिएगा ना, तो उसमें 10 के 10 जो है सारे मुस्लिम निकलेंगे, आपको एक हिंदू नाम नहीं मिलेगा, और फिर इसी पे आप कहते हैं कि हिंदू लिंच कर रहे हैं या हिंदू वो कर रहे हैं, अभी भी जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है या जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जितने हिंदू संगठन है क्या मुस्लिम नाम मिलेंगे, हिंदू संगठन है क्या मुस्लिम नाम मिलेंगे, उसमें एक मुस्लिम नाम नहीं है, आप लोग संगठन में क्यों नहीं जोड़ते, अगर एकता और विश्वास की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं तो जोड़िए ना, तो आना चाहे तो आए, वो लोग किसी को भी नहीं आने दिया, क्यों किसने मना किया, बुलाओ किसी मुसलमान संगठन में, मुस्लिम नहीं है जो हमारा हमारा टॉपिक, पार्टी में मुस्लिम नहीं है भाई, अरे किसकी पार्टी मुस्लिम नहीं है, भाजपा में सिर्फ एक लौता सांसद मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, एक लौता सांसद उनका स्पीकर है वो टीवी पे बात कर रहा होता है बीजेपी की तरफ, क्यों नहीं है समानता नहीं है, अल्पसंख्यक विभाग हर हर पार्टी के लिए होता है, कांग्रेस में तो ऐसे आप कांग्रेस का काम गिना दीजिए कि कौन सा उसने हिंदू के लिए अच्छा काम किया है, कांग्रेस को छोड़िए भाजपा को छोड़िए, भाजपा को पकड़ रहे हैं, कांग्रेस को पकड़ लीजिए, फिर बताइए कांग्रेस क्या कर रही है, वही तो हम कह रहे हैं कि आप 75 साल से भाजपा क्या कर रही है, 75 साल से कांग्रेस राज कर रही थी ना, 370 नहीं हटा पाई, राम मंदिर का मुद्दा नहीं सुलझा पाई, 8 साल में भाजपा ने क्या काम किया, 370 हटवा दिया है, क्या हटवा दिया, 370 कश्मीर का मुद्दा, 370 भैया कश्मीर में जा रहे हो आप, देख रहे हो क्या हो रहा है, हालात इतने खराब है, हम कश्मीर अभी 2 महीना पहले हो गया है, हर परिवार का एक सदस्य रोज जान गवाह, मैं बता रहा हूँ आप, आज तक आपने लाल चौक पे कभी तिरंगा देखा, मोदी की सरकार ने तिरंगा लगाया, आपने भाई तिरंगा तो सबके दिलों में है, मेरे भाई दिलों में था, सबके दिलों में है, आज जो तिरंगे घरों पे लगा दिए अब वो तिरंगे नालियों में पड़े मिल रहे हैं, कभी भी राष्ट्रीय ध्वज क्या घरों पे लहराया जाता था, इज्जत होना चाहिए ना, लहराया जाता था कभी भी राष्ट्रीय ध्वज घरों पे लहराया जाता था, घर नहीं लहराया जाता था, शासन कार्यालय और संग्रहालय पे लहराया जाता था, इसलिए कि नालियों में पड़े मिले, हर आदमी के दिल में तिरंगा, तिरंगे नालियों में पड़े मिले, नालियों में ना पड़े मिले, लोगों को इस बात का अहमियत होनी चाहिए, अगर कोई लहरा रहा है तो उसमें भी अकल होनी चाहिए कि हम लहरा रहे हैं तो हम इसको अपना, तिरंगों की कोई मान्यता नहीं है, ये देखिए आप सामने ही देख लीजिए किस तरीके से आड़े टेढ़े तिरंगे पड़े हुए हैं, तभी शुरू से जो है तिरंगे को हमेशा कार्यालय और दफ्तरों पर ही लहराया जाता था, हमेशा से संग्रहालय पे लहराया जाता, मैंने आज तक जब भी तिरंगा लहराया मैंने हमेशा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की वो करी है, ठीक है, हमेशा
अच्छा वो पड़ता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या बोलता है अगर तुम्हें तिरंगा अगस्त की आपकी राष्ट्रीय ध्वज की वो थी अंदर तिरंगा हमारे दिल में, हम पैदाइशी है ना, हम पैदाइशी वो तिरंगा के उसके लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? जतिन राय। पढ़ते हैं आप? जी हम, हमारा बीटेक फाइनल, बीटेक फाइनल ईयर चल रहा है हमारा। आपका क्या नाम? शुभम। कुछ कहना चाहते हैं? आप भी पढ़ते हैं? हम भी पढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं आप? मैम मनाने आए हैं? संडे है, संगठन में जुड़ जाओ। सुनिए, ये संगठन ये जो है ये तो जो भी काम कर रहा है, हम आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, हमने रेप विक्टिम्स का मुद्दा उठाया के लिए। आप लोग दिखे नहीं मेरे, इंद्र मेघवाल जो छुआ छूत के कारण, पानी पीने के कारण जो हुआ है, आप लोग तो कहीं दिखे नहीं। अरे मैम यहाँ पे दलित ही दिखे, शूद्र दिखे मुझे। अब आपने अभी बोला था आप दोनों पहलू देख रहे हैं, नहीं आप एक ही पहलू देख, आप दलित कहाँ पे कर रहे थे? आप दलित 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 कर रहे हो, मीडिया भी नहीं दिखा रही। नहीं आप दलित, ये लोग दलित दलित कर रहे हैं, दलित कर रही। चलो मुस्लिम कर ले, मुस्लिम कर ले। मैंने यही बोला ही नहीं, मुस्लिम कर ले, मुस्लिम कर लीजिए, मुस्लिम कर ले, क्योंकि आप लोग मुस्लिम पे ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम एक इंसान है, ठीक है। और मैंने अभी बोला था मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपने धर्म के लिए हूँ, समझ रहे हो? मैं ही कह रही हूँ, हिंदू से पहले आप इंसान है ना? बिल्कुल है। मानना है, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल है। हिंदू से पहले इंसान होता है, तब कहीं उसकी जाति धर्म आती है। देखिए मुस्लिम लड़कियों के और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ भी जो हुआ वो भी हमने, अच्छा उत्तराखंड में जो अंकिता हुई है, अंकिता पंडित थी बीजेपी के मंत्री जी निकल, मंत्री के बेटे निकल के आए, उसके लिए तो उनको निकाल दिया गया है, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, उनका रिजॉर्ट तोड़ दिया गया, उनको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। फांसी की सजा के लिए ही तो कानून बनना चाहिए मैम, मांग कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं इंग्लैंड, आप यहाँ पर है इसलिए हम आपको बुलाने ही हम यहाँ पे आए थे। आप चलिए वहाँ पे हमारे साथ, वहाँ हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसको आप दिखाइए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है। ये जो हैवानियत की जा रही है बीजेपी द्वारा, हमेशा बीजेपी के कहीं ना कहीं, सिर्फ बीजेपी द्वारा नहीं मैम, ये देखिए हमेशा कहीं ना कहीं तार जुड़ के बीजेपी के ही निकल के आते हैं। कैसे? एक सेकंड, बीजेपी के खिलाफ होनी है, बीजेपी हार्टेड से हिंदू हार्टेड, हिंदू हार्टेड से नेशनल हार्टेड, वो शेर बड़ा कर दिया, शेर का मुंह बड़ा कर दिया, वो दिक्कत होगी। फिर झंडा लगाने लगे, वो दिक्कत होगी। शेर क्रूर रूप में देखा, अशोक चक्र में आपने देखा है क्रूर रूप में शेर, तो क्या हो गया? अच्छी बात है, भाई साहब धार तो रहा है, तभी तो दहाड़ रहा है, इतनी लिंचिंग हो जा रही है। #5economy पे इंडिया आ रखा है, दहाड़ी तो रहा है, लिंच एक एक शांति का प्रतीक है, अशोक चिन्ह जो है, अशोक चक्र है, वो शांति का प्रतीक है। प्रतीक ये भी इंडिया का है कि जब अगर कोई हमसे उंगली करेगा तो हम उसको दहाड़ के काट भी सकते हैं। उंगली कौन कर रहा है? बहुत देश कर रहे हैं, आप पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लीजिए, वो हर थोड़े दिन पाकिस्तान पे आ गए, बिल्कुल आएंगे। मीडिया मीडिया वाली डिबेट करने लगे, आप ही बोले कि उंगली कौन कर रहा है, तो हम बता दी कि उंगली कौन कर रहा है। मीडिया वाली डिबेट करने लगे, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया की तो रोटी ही सिक रही है पाकिस्तान। और ये किस पे सिक रही है जो आप कर रहे हैं? मैं तो निष्पक्ष कर रही हूं, लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, मैं तो निष्पक्ष कर रही हूं। निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष होते तो हम इतना बात ही नहीं कर रहे होते। बात नहीं करें, बात तो मीडिया बात नहीं करेगी, वो मीडिया आपकी बात करेगी, तो कौन करेगा? हम आप ही से बात कर रहे हैं, इसीलिए कि आप हमारे अपोजिट बोल रहे हैं, तो अभी हम आपको अपना लोकतंत्र की आजादी है कि नहीं है, लोगों को भाई लोकतंत्र है कि नहीं है, तभी तो इतनी बात हो रही है आपकी हमारे बीच में। अगर नहीं हो रही होती आपको बंद और कारागार में डाल दिया गया होता। अच्छा मेरे को अब डाल देंगे आप कारागार में, आप मेरे को कारागार में डाल देंगे। लोकतंत्र है इसीलिए आपकी मेरी बात हो रही है, वरना आप कारागार में होते। आप मेरे को कारागार में डाल देंगे, क्यों? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? लोकतंत्र है, लोकतंत्र ताली आप लोग पीट रहे, मैं ऐसा क्या काम कर दिया? अगर आपसे सवाल कर रही तो लोग आप कारागार में डाल, काम करे बिल्कुल नेक काम करे जो आपने सवाल, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी को तो आप खत्म कर रहे हैं। ईरान देख लीजिए ना, अभी अभिव्यक्ति की आजादी हो रही थी, एक मुस्लिम महिला ने हिजाब, भाई ईरान पे क्यों जा रहे हैं? पहले अपने भारत को तो देख लीजिए, पहले अपने भारत को तो संभालो, भारत को तो संभाल लो बेटा, भारत को तो संभाल लो पहले। भारत में क्या कुछ हो रहा है वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप ईरान को खींच के लाए। भारत इंटरनेशनल लेवल पे सबको ढंग से समझा रहा है, उन्हें नहीं पहनना वहाँ पे हिजाब, जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, नहीं पहनना। मगर जब वहाँ पर एक मुस्लिम महिला की हत्या कर दी गई, तब उन्होंने हिजाब को जलाया, लेकिन जो पहनना चाह रहा है उसको पहनने नहीं दिया जा रहा। सुनिए अब आप तथ्य रखिए, स्कूल में पहनना चाह रहा है, अगर अगर ये अभी पहन रहा था वो पहले से नहीं पहन, नहीं पहले से नहीं पहन, अभी उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब वो अप्लाई की ड्रेस में क्यों नहीं पहन सकते? जब अप्लाई नहीं, आप लोग कौन होते हैं? आप लोग कौन होते हैं? ये ऐसे कपड़े में स्कूल जा सकता है? आप बता रहे भाई भगवा पहन के नहीं बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ अगर वो शुरू से ही वो अपना एक कपड़ा ढकती है, मुंह ढकती है, तो उससे आपको प्रॉब्लम? ये ऐसे जा सकता है? आपसे एक सवाल है, अच्छा आप
आप स्कूल में कलावा बांध के नहीं जाते हैं, कड़ा पहन के नहीं जाते हैं, लॉकेट पहन के नहीं जाते हैं। ये अलग है, ये ड्रेस का आजाद है। स्कूल में कलावा लॉकेट और ये जो पहन के जाते हैं, ये क्यों है? निकलवा दिया गया था, पूरा मुंह ढक जाता है ड्रेस का, ठीक है ना, उसमें पहचानने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। क्यों, वो आतंकवादी है? आतंकवादी किसी ने बोला? आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही आतंकवादी। पहचानने में दिक्कत कैसी? सिंपल सी बात है, इतना भी तो करती है। मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, मुंह ढक जाता है मैडम। नहीं मुझे सब छोड़िए, हटा सकते हैं तो हिजाब भी हटा सकते हैं। घूंघट तो अभी आप लोग करवाते हैं? नहीं करवाते हैं, बोल देखो, एक दो देखिए, यहाँ पे छोड़िए ना, नहीं करवाते हैं यहाँ पे छोड़िए। घूंघट प्रथा रेयर गांव में, रेयर गांव में घूंघट ही करवाते हैं। गांव में क्या होता है मैडम? एक आध गांव की बात कर रहे हैं, 500 गांव गिनवा दूंगी मैं आपको, 500 गांव गिनवा दूंगी जहाँ घूंघट होता है। नहीं है मैडम ऐसा, हमने कभी देखिए, हमने आपके लिए सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अच्छा अभी आप हिजाब की बात कर रही हैं, मैं ये कह रही हूँ, आप घूंघट की बात कर रहे हो ना, हर जगह मतलब अपने अपने रिवाज है, अपने अपने धर्म है, हम सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं। हिजाब, ये जो आप बोल रहे हैं धर्म है ना, बात खत्म बोल दो, बात खत्म बोल दो। स्कूल क्लास में, क्लास में क्या प्रॉब्लम है? क्लास में क्या प्रॉब्लम है? बुरखे में आएंगी लड़कियां, रोल नंबर से कंफ्यूज हो जाएगी मैडम, किसको क्या बोला, किसको क्या, क्यों नहीं होगी कंफ्यूज, किसी को क्या समझा रही है, किसी का चेहरा समझ नहीं आएगा, चेहरा समझ नहीं, नहीं आएगा। अरे बुरखे में रहेगी तो कैसे चेहरा समझ आएगा? अभी 8 सालों में चेहरा समझ नहीं आ रहा, कि इसके पहले भी नहीं समझ में, पहले भी समझ नहीं आ रहा था, अब न्यू अभी नया मुद्दा निकल आया है, ठीक है ना। क्या हुआ अगर क्लास में अगर नहीं पहन रही है तो क्या हो गया? सिर्फ क्लास के लिए तो मना करा है। अरे अभी आपने कहा, अभी आपने कहा ना, सबके धर्म अलग अलग है, सबके रिवाज अलग अलग है, तो उनका अलग है, उनका अलग है, नहीं रोक रहे हम किसी चीज के लिए, नहीं रोक रहे हम स्कूल, स्कूल में अगर, सुनिए मेरी बात, एक मिनट आप मेरी सुनिए, अगर स्कूल में आज हिजाब पहन के जाएंगे तो कल मैं धोती पहन के जाऊंगा, हैं, परसों वो पगड़ी पहन के जाएंगे, परसों वो टोपी लगा के जाएंगे, हैं, परसों वो तिलक लगा के जाएंगे। 8 साल में ही क्यों होने लगा? 8 साल में नहीं हुआ, ये होता तो शुरू से है, कहां हो रहा था? 70 साल से हो रहा है, जब साल से हो रहा था, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, जब से गवर्नमेंट की, जब से पंडित नेहरू, जब से पंडित नेहरू ने, नेहरू जी मर गए लेकिन अब वो आपको दिक्कत, सुनेंगे नहीं ना आप, पंडित नेहरू ने जब से ये सत्ता संभाली है तब से तुष्टिकरण जारी है, और ये तुष्टिकरण के नाम पर ही, तुष्टिकरण के नाम पर ही जो ना हिजाब पर्दा ईरान में जलाया जा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान उसके लिए वहाँ पर हत्या कर दी गई, और वहाँ पर उनके लिए, उसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमान धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आपको ईरान से दिक्कत हो रही है, आप मुस्लिम और ईरान को छोड़िए ना, आप अपने भारत देश को देखिए ना, भारत, भारत मैडम, भारत में, भारत में, भारत में हाँ, हमारे हिंदू है तो उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ दिक्कत थोड़ी, अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ भाई, कैसा अत्याचार कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो लेडीज हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको जबरदस्ती उनके साथ, भारत में तो देख लीजिए अभी अंकिता के साथ, उत्तराखंड में क्या हुआ, भारत में भी देख रहे हैं, भारत में भी संभाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुखिया, हमारे बीजेपी के जो मंत्री थे उनके बेटे ने उनकी हत्या करी वैश्यवृत्ति के लिए, उसको प्रेशर बना रहे थे। अच्छा ये क्या हुआ है? नहीं ऐसा तो मुझे बता, वो तो सब जेल में है ना, उनको सजा नहीं दी है, तो होता ही है, वे तो कानून कर रहे हैं ना, जेल जा रहे हैं, जेल कहाँ जा रहे हैं? लखीमपुर में कांड हुआ, लखीमपुर खीरी में, वो तो जेल में है, लखीमपुर की, मैं अंकिता, मैं उत्तराखंड वाला, लखीमपुर वाले को भी पकड़ा गया, चारों को पकड़ा गया है, हमका लेफ्टिस्ट आइडिया खत्म हो जाता है, चारों को पकड़ा गया है, चारों को पकड़ा गया, लेकिन आप उसके लिए यहाँ पे दिखे नहीं, यहाँ भी पकड़ा गया, आप नहीं दिखे, यहाँ भी पकड़े गए हैं शायद आपको, नहीं नहीं, जो कल अंकिता वाला कांड, अंकिता वाले में एक पकड़ा गया, बाकी सब फरार है, अभी सबूत मिटाने की बात कर दी, रिसोर्ट को जला दिया गया, शायद रिसोर्ट को जला दिया गया है, रिसोर्ट को तोड़ दिया गया है, जला भी दिया गया भाई साहब, सुबह की खबर आपने देखी, ट्वीट पे पढ़े आप, सारे खबर देखिए, पूरी जला दी है, उसके बाद सबूत मिटा दिया गया, और कहा जा रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुसलमानों के साइड में ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपने आप से चिल्ला रहे, अपने आप से चिल्लाने लग गए, ये आज का हिंदू युवा है, सुनिए, हर बात का जवाब देगा, ये आज का चागावा हिंदू है, ये आज का चागावा हिंदू है, ये हर बात का जवाब देगा, आप हिंदू सोया ही था, हिंदू सोया ही, हिंदू सुलाया सोया नहीं था, हिंदू को लॉलीपॉप देके सुलाया हुआ था, अब हिंदू जागा, सबसे ज्यादा जागा हुआ है 2014 से, हिंदू जागा, 2014 के पहले हिंदू को लॉलीपॉप देके सुलाया हुआ था, कांग्रेस ने कम्युनिस्ट ने, इन सब ने हिंदुओं को लॉलीपॉप देके सुलाया हुआ था, लॉलीपॉप इसलिए, हिंदू 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 बहुत
हिंदू बहुत रहम दिल आदमी है, हिंदू हिंदू बहुत रहम दिल आदमी है। कांग्रेस की आप बीजेपी से आई है, आप बीजेपी से आई है, एजेंडा चला रहे हैं हिंदू से। आप कितना पैसा मिला है, एजेंडा दिख रहा है, कितना पैसा मिला है, इतने लोग हैं, एजेंडा हो मुस्लिम का चला रहे हैं, मुस्लिम का एजेंडा आप चला रहे हो। अगर मैं सवाल कर रही हूँ, सुनिए सुनिए, सबको मिलेगा। मैं अगर होती है, मैं सब गलत काम करते हैं घर में, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और सबको नहीं। अब सुनिए ना, आप लोग मेरे को एजेंडा बता रहे हैं, मुस्लिम मैं कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी से आई हूँ, मैं पार्टी की हमें कोई पैसा नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ भाई, ठीक है, मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं निष्पक्ष कर रही हूँ। बोला पैसा मिला आप लोग मेरे पे जो बोल रहे हैं, मगर मैं नहीं पूछ सकती कि आपसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं मिला, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने आगे भविष्य के लिए हम ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। अरे भाई मैं सवाल कर रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना, बोल रहे ना पैसा मिला है, ये मिला, आप मुस्लिम साइड से, आप जो मेरे को बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी से आई, मैं कांग्रेस पार्टी से आई हूँ, आप भी तो बोल रहे हैं, सवाल कर दिया तो कांग्रेस क्या हो रहा है, हम हिंदू हैं, भारत में रहते हैं, अगर मैं समानता एकता की बात कर रही हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी से, हिंदू है आप, मुस्लिम पार्टी से आई हो, मुस्लिम से नहीं हो भाई, मुस्लिम पार्टी क्या होता है, मुस्लिम पार्टी नहीं जानती कौन सी बिल्डिंग की, मुस्लिम पार्टी घर में सब गलती करते हैं, सबको दंड मिलता है घर में सब गलती, मुस्लिम पार्टी कौन सी है ये बताइए, ओबीसी की है, आईआईएम मुस्लिम पार्टी है, मैं आईआईएम से आ गई, अब लखनऊ से मैं यहाँ आ गई, एआईएम मुस्लिम पार्टी, लखनऊ से आप सवाल जांच करो, आईआईएम बना दिया, आईआईएम इंस्टीट्यूट बना दिया, मैम कितना पढ़ा लिखा है दिख रहा है, एक और आए है ओवैसी का, ओवैसी की क्या, अरे अरे भाई आप पार्टी से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल के बारे में पता ही नहीं है, ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसे नहीं होते मैम, क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या हो गया, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं, मेरा नाम क्यों जानना चाह रहे हैं आप, अरे भाई आई कार्ड है मेरे पास है, आप होते कौन है मेरा आई कार्ड, आप होते कौन है मेरा आई कार्ड, आप है कौन, आप है कौन, मैं हिंदू हूँ, हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूँ, आप दिखाओ, आप दिखाओ, मेरा आई कार्ड देखने वाले आप होते कौन है, मैं हिंदू हूँ, मैं कैसा सच्चा नागरिक हूँ, हिंदू दिखाओ ना, अब आई कार्ड दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाए, आप हिंदू हैं, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आप हिंदू, आप हिंदू बताएंगे, आप बताने वाले होते कौन है, आप बताने वाले होते कौन है, मेरी पहचान आप कैसे पूछे, ये मेरी पहचान है, आप देख रहे हैं, आपकी क्या पहचान है, क्या पहचान है, कायदा तुम दिखा रहे हो, तुम बाकी मेरे मुसलमान, आप इस देश में सबको सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है, सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है, कोई बात नहीं, आप क्या, आप मेरा सर्टिफिकेट देखेंगे, क्वेश्चन गाइस पूछो ना, रुको, मेरी क्वेश्चन करते हैं, एडिटर नहीं हूँ मैं एडिटर नहीं हूँ, आप बैस के ऊपर लेट क्यों, वो मेरे से आई कार्ड देखने वाले होते कौन है, क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्यों क्वेश्चन गलत, आप बताएंगे, आप डिसाइड करेंगे मैं क्या क्वेश्चन करूंगी, सामने से हटिए कैमरे से, कैमरे के सामने से हटिए, क्या आप बताएंगे कि मैं क्या क्वेश्चन करूंगी, आई कार्ड कोई नहीं मांग, आप आई कार्ड मांगेंगे क्या, नहीं मांग रहा कोई, किसने आई कार्ड, आप आइडेंटिटी देखेंगे मेरी, किसने मांगा आई कार्ड, आप आइडेंटिटी देखने वाले होते कौन है, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है, किसने मांगा आई कार्ड आपसे, वो मांग रहे हैं आप ही के, किसने मांगा आई कार्ड, किसने, देखो ये पत्रकार लोग हैं तो इनसे कोई गलत नहीं बोल रहा है ना, आई कार्ड आप जो मांगा किसने, आप जो क्वेश्चन जांच पूछे वो दो, आप उत्तर जो ये कहें वो, जो इस बात को ये जो क्वेश्चन ये करें, मेरी पहचान जवाब दो, मैं ना हिंदू ना मुस्लिम हूं, मैं इंसान हूं, मेरी पहचान ये है, मैडम मैं आपका सम्मान है, सही कह रही है, आपका सम्मान है, कोई बात नहीं, आप सही कह रही है, आप ऐसा कुछ, आप साथ हो जाओ, हम तो वो गलत, चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी यहां हिंदू फ्रंट के जो प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से सवाल मैंने किए, लेकिन उसके जवाब में आपने सवाल भी देखे और जवाब भी देखे किस तरीके से मिले, लेकिन यहाँ पर मेरी ही आइडेंटिटी पूछने वाले कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि सर्टिफिकेट देने के लिए माहिर और कार्यरत ये लोग सर्टिफिकेट पहले देते हैं, लोगों से पूछते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, पहले तो मुझे मुस्लिम बता दिया जाता है, एजेंडे वाला बता दिया जाता है, और मुस्लिम पार्टी से बता दिया जाता है, तो आप देखिए किस तरीके की मानसिकता से ग्रसित है लोग, अगर जर्नलिस्ट सवाल कर रहा है तो पहले ये आइडेंटिटी पूछेंगे कि आप किस समाज से आती हैं, किस मानसिकता की हैं, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आइडेंटिटी पूछी जाती है, पहले सर्टिफिकेट देना इनका जो कार्य है वो मेन हो जाता है, आप देखिए कि पहले ये किस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी पूछने लगते हैं एक जर्नलिस्ट से, तो आप देखिए कि किस तरीके से एक इंसान को घेर कर किस तरीके से लिंचिंग कर दी जाती है, आप देख रहे हैं, मैं और
सच्ची चीज बता रही हूँ। शाहीन बाग में जिस समय सुधीर चौधरी और चौरसिया जी गए थे तो उन्होंने वहाँ इंटरव्यू नहीं करने दिया, कहते ये हिंदू विरोधी जो ये क्यों नहीं करने दिया था आपको मालूम है क्या क्यों नहीं करने दिया था? हम यो कह रहे हैं चाहे वो कुछ भी हो पत्रकार था तो पत्रकार को कर देना। अभी जो पत्रकार है जो अभी जितने भी जर्नलिस्ट है और जो मीडिया है चैनल पे चलाया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो मीडिया है गोदी मीडिया है वो किस तरीके का एजेंडा चला रही है, नफरत फैला रही है देश में। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना अभी दो दिन पहले आया? एक बात का जवाब दीजिए, शाहीन बाग में जिस समय चौरसिया को चौरसिया की बात छोड़िए ना खदेड़ा गया था तो आपने अपने चैनल पर दिखाया क्या भाई? आप सुनिए ना खदेड़ा जा रहा है बिल्कुल दिखाते हैं हम दिखाए सभी का दिखाते हैं। आप ये बताइए कि अभी जो नफरत फैलाने के लिए जो अभी दिया गया है अभी इनको सवाल मैं ले रही हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अपना कहना कहना आता है इन्हें, दूसरे का सुनना नहीं आता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम भी होता है कि उसे क्रॉस क्वेश्चन करे काउंटर क्वेश्चन करे, लेकिन जवाब देने में जब ये लोग इस तरीके से हावी हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।